सभी गाइस, क्या ले आप सभी के एंड वेलकम बैक एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि निकॉन का Z6 कैमरा परचेस करें या फिर Z6 सेकंड कैमरा परचेस करें, दोनों में मैं आपको आज डिफरेंसेस बताने वाला हूँ। कौन से कैमरे पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा कैमरा आपके लिए बेस्ट रहेगा, और क्या नए अपडेट आए हैं, और जो अपडेट आया क्या हमें उन अपडेट को लेके चलना चाहिए, निकॉन Z6 सेकंड परचेज करना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी और कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगा आपको ये कन्फ्यूज़न दूर करने में कि यार रियली कौन सा कैमरा लिया जाए, इस टाइम Z6 लिया जाए या फिर Z6 सेकंड लिया जाए। तो वीडियो में आगे बने रहिए और पूरा वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, और इसमें से आपको काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। और उससे पहले अगर वीडियो पर नए आए हो तो इसी टाइप का DSLR से रिलेटेड वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं मेगापिक्सल की बात करूंगा तो दोनों ही कैमरे में सेम मेगापिक्सल है, सेम BSI टेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे मैं इमेज क्वालिटी की बात करूंगा तो दोनों ही कैमरे में सेम इमेज क्वालिटी आने वाली है। और जहाँ तक अगर मैं प्रोसेसर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको निकॉन Z6 सेकंड में डुअल एक्सपीड प्रोसेसर देखने को मिलता है, और वहीं आपको निकॉन Z6 में सिंगल एक्सपीड 6 इमेज प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डुअल एक्सपीड प्रोसेसर आ जाने से कहीं ना कहीं आपका कैमरा फास्ट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं ऑटो फोकस की बात करूँ, ऑटो फोकस ट्रैकिंग की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपका कैमरा फास्ट हो जाता है। और यहाँ पे अगर मैं बफर कैपेसिटी की बात करूँ कि जब भी आप शूट करते हैं बफर की बात करूँ तो यहाँ पे निकॉन के Z6 सेकंड में जो बफर की कैपेसिटी हो 3 गुना ज़्यादा हो गई है निकॉन Z6 के मुकाबले। यहाँ पे आप निकॉन के Z6 में 35 से 40 रॉ फाइल को शूट कर सकते थे एक बार में, वहीं पे यहाँ पे निकॉन के Z6 सेकंड में जो बफर की कैपेसिटी है वो 3 गुना बढ़ा दी गई है। तो आप 100 प्लस आराम से रॉ फाइल को आप शूट कर सकते हो काफ़ी आसानी से। और ड्यूल एक्सपीड प्रोसेसर के आ जाने से आपका कैमरा का जो एल्गोरिदम है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया, जो मेरे का AI है वो भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। कहीं ना कहीं निकॉन के ड्यूल एक्सपीड प्रोसेसर आ जाने से जो AF का एल्गोरिदम है काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, आई फोकस ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ निकॉन के Z6 सेकंड के आई ट्रैकिंग की बात करूँ तो अभी हाल ही में आए हुए अपडेट की बात करूँ तो 1.10 की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। जब आपका सब्जेक्ट काफ़ी दूर होता तो क्या करता था, कैमरा आपके फेस को रीड करता था, और यहीं पे अपडेट के बाद क्या करता है कि आपका अगर सब्जेक्ट काफ़ी दूर भी है तो क्या कर सकता है फ्रेंड्स, वो आई को ईजिली रीड कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ड्यूल एक्सपीड प्रोसेसर के आ जाने से आपका कैमरा फास्ट हो गया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगा है। और इसके बाद अगर मैं फ्रेंड्स अगर FPS की बात करूँ तो निकॉन के Z6 II में आपको 14 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिलती है, और वहीं पे आपको निकॉन Z6 में आपको 12 FPS की कंटिन्यूस शूट का स्पीड मिलता है। उसके बाद अगर मैं कार्ड स्लॉट की बात करूँ तो निकॉन के Z6 सेकंड में आपको ड्यूल कार्ड स्लॉट देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं फोटोग्राफर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरत को पूरा कर दिया है निकॉन के Z6 सेकंड ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में था सिंगल कार्ड स्लॉट। काफ़ी लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग जब फोटोग्राफी करते हैं या कुछ ऐसे शूट करते हैं उनको बैकअप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि आप सेकंड कार्ड स्लॉट को बैकअप एज अ बैकअप के रूप में उसको यूज़ कर सको। तो कहीं ना कहीं ड्यूल कार्ड स्लॉट आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है डाटा के बैकअप्स को लेके। और यहाँ पे निकॉन Z6 की बात करूँ तो उसमें सिंगल कार्ड स्लॉट है जिसमें आप XQD कार्ड को यूज़ कर सकते हो। वहीं पे अगर मैं निकॉन के Z6 सेकंड की बात करूँ तो एक तो इसमें CF+ XQD कार्ड का ऑप्शन मिलता है, दूसरा जो कार्ड स्लॉट है वो UHS का सेकेंड वर्जन का स्लॉट आपको देखने को मिलता है, मतलब इसमें आप एक नॉर्मल कार्ड भी यूज़ कर सकते हो। चलिए इसके बाद कुछ वीडियो के बारे में हम बात करते हैं, और सिर्फ फोटोग्राफी में नहीं, ये जो मैंने फीचर्स बताए इसमें काफ़ी ज़्यादा फोटोग्राफी से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करता है सारे अपडेट को लेके आपको। अब चलिए कुछ बात करते हैं वीडियोग्राफी में आपको क्या अपडेट देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं 4K की बात करूँ तो दोनों ही कैमरा 4K रिकॉर्डेड है, दोनों ही कैमरे में 4K 30p रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन हाल ही में अपडेट आने के बाद आप निकॉन के Z6 सेकंड में 4K 60p पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आप निकॉन Z6 में नहीं कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छा अपडेट देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है 4K आप 60p पे रिकॉर्ड कर सकते हो, मतलब आप अपने वीडियो को आप स्लो मो भी कर सकते हो, तो ये तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। उसके बाद अगर मैं वीडियोग्राफी में अगर आई फोकस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्प करता है
आपके जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट बिल्कुल कंफर्म फोकस में है या नहीं, कहीं ना कहीं आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और आप निकॉन के Z6 सेकेंड में आई पे भी फोकस कर सकते हो, ड्यूरेशन वीडियो रिकॉर्डिंग जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तब वो आई पे भी सब्जेक्ट के फोकस करेगा, और ये आपके निकॉन के Z6 में पॉसिबल नहीं है, ना ही कोई अपडेट में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो में तो काफ़ी अच्छा इसमें आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो बैटरी में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आया है। निकॉन के Z6 सेकेंड में आपको नया बैटरी देखने को मिलेगा जो कि ENEL का 15C बैटरी है, और निकॉन के Z6 में आपको 15 ENEL का 15B बैटरी इसमें देखने को मिलेगा। और सी और बी कैसे अलग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं शॉट की बात करता हूँ, तो जहाँ पे आपको निकॉन के Z6 में आपको 330 शॉट देखने को मिलते हैं, वहीं पे आपको निकॉन के Z6 सेकंड में आपको 420 से 440 शॉट देखने को मिलेगा। और बैटरी कैसे अलग है, निकॉन Z6 का जो बैटरी है 15B बैटरी है उसको आप पावर बैंक के साथ सिर्फ चार्ज कर सकते हो, और वहीं पे अगर निकॉन के Z6 सेकंड की अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो उसको बैटरी आप चार्ज पावर बैंक के साथ चार्ज प्लस उसको पूरा ऑपरेट भी कर सकते हो। तो ये डिफरेंसेस है। तो फोटोग्राफी के लिए फ्रेंड्स कहीं ना कहीं बैकअप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और यहाँ पे बैटरी के बैकअप्स काफ़ी अच्छा इंक्रीजमेंट हुआ है। और प्राइस में फ्रेंड्स आपको अच्छा खासा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दोनों कैमरे में क्या ऑफर चल रहा है करंट में वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर निकॉन के Z6 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको इन बॉक्स में आपको सेम FTZ माउंट अडेप्टर देखने को मिल रहा है, लेकिन प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे डिस्काउंट करके 1,65,000 के आसपास यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऑथोराइज डीलर के पास आपको देखने को मिल जाएगा। प्लस एक एक्स्ट्रा बैटरी का ऑफर भी इसमें चल रहा है। और यहीं पे अगर मैं निकॉन के Z6 सेकंड की बात करूँ तो पहले क्या निकॉन के Z6 सेकंड में ऑफर था, एक 64 GB का कार्ड मिल रहा था प्लस एक एक्स्ट्रा बैटरी आपको देखने को मिल रहा था, तो प्राइसिंग 1,88,000 के आसपास था। तो अगर मैं यहाँ पे निकॉन के Z6 सेकंड की अगर मैं करंट ऑफर की बात करूँ तो अभी इसमें कोई ऑफर नहीं चल रहा, 64 GB का कार्ड भी आप देखने को अब नहीं मिल रहा है, और एक्स्ट्रा जो बैटरी था वो भी अब आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि जो ऑफर थे वो देखने को नहीं मिल रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। मीन्स जो ऑफर चल रहे थे उसको पूरा कैश डिस्काउंट में कन्वर्ट कर दिया गया है, और ये कैमरा अब आपको आराम से 1,80,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस में तो आपको अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिलता ही है। तो निकॉन Z6 में आपको अडेप्टर देखने को मिलता है, तो फ्रेंड्स जिसके थ्रू आप निकॉन के एफ माउंट के जो लेंसेज है उसको यूज़ कर सकते हो। और निकॉन के Z6 सेकंड में तो ऐसा अडेप्टर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर आप अडेप्टर लेना चाहते हो तो आपको 50% डिस्काउंट में आराम से देखने को मिल जाएगा। तो प्राइस को लेकर तो अच्छा खासा डिफरेंस है ही है। तो ओवरऑल ये कुछ फीचर्स थे, कुछ अपडेट आए हैं निकॉन के Z6 सेकंड में। और अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूँ तो आपको निकॉन का Z6 कैमरा लेने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। यहाँ पे आपको फोटोग्राफी में भी और वीडियोग्राफी में भी काफ़ी अच्छा अपडेट आपको देखने को मिलता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो से पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल में आपने पहली बार विजिट किया है और इसी तरह DSLR से रिलेटेड आपके लिए वीडियो हमेशा मैं बनाता रहूँगा, तो चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमेशा मैं लाता रहूंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।